So, hey, what's up, everybody? Welcome back to another video. So, guys, ये tech video almost है क्योंकि इस video में हम एक ऐसे topic के ऊपर बात करने वाले हैं जहाँ पे आपको शायद कुछ आपके questions का answer मिल जाए या और भी कई चीज़ें आपके यहाँ पे मिल सकती हैं. तो अगर आपको ये video जरूर से भी अच्छी लग जाए तो जरूर like कर देना एंड अपने व्यूज़ बताना कि इस वीडियो के एंड में कि आपको क्या लगता है, क्या है या नहीं. वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात कर रही हूँ. जो लड़कियाँ, मतलब कि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं उस आंटी जी की तरह तो बनना नहीं चाहती वायरल, बट जो लड़कियाँ मतलब कि किसी को, मतलब कि जैसे आपने IPL वाली लड़की को देखा, 3 दिनों में उसके 2 लाख से ज़्यादा 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए एंड इवन वेरिफिकेशन चेक मार्क भी मिल गया. वो लड़की के लिए मेरे पूरी फेसबुक की टाइमलाइन पे एक पोस्ट ही पोस्ट आ गई थी कि कितनी गंदी लड़की है, ऐसे किया क्या, ये है वो है, मतलब बहुत सारे पोस्ट मेरे सामने आए. ये बात है कल की, कल जब इसको चेक मार्क मिला था एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया था इसके ऊपर वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल था इसको क्यों मिला, कैसे मिला, जस्ट एक वायरल होने की वजह से, इसी वजह से, और बाकी जो वायरल होते हैं उनको क्यों नहीं मिलता. ये सभी सवालों का जवाब जो है ये आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ. 2 मंथ्स पहले की बात है कि मुझे पहले मेरे को भी चाहिए था चेक मार्क इंस्टाग्राम पे. तो मतलब हर किसी के अंदर क्रेज़ होती है कि हाँ हमें भी मिले, ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर होती है जो भी टेक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, सबको ये बात की क्रेज़ होती है कि क्या हमें मिल सकता है, क्या हमें कैसे मिले. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, आपको शायद दिख गई होंगी, आपने देखी होंगी. तो उसी तरह से मैंने एक जो एजेंट होते हैं, एजेंट जो प्रोवाइड करते हैं उन एक्टर्स को, जो मतलब कि उन पब्लिक फिगर्स को जो लोगों के इतने सामने नहीं है बट हैं, लाइक कुछ फिल्म स्टार्स होते हैं जो मतलब कि साइड का रोल करते हैं एंड न्यूज़पेपर में अभी आता है बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनको चेक मार्क नहीं मिल पाता है. तो मैंने उन एजेंट से बात की कि चेक मार्क मिलता कैसे. उन्होंने मुझे क्लेरिफाई करके बताया, अगर आप मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप फिल्म वगैरह में काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बट आपके 3 से 4 आर्टिकल न्यूज़ वाले जो आपको सेक्शन होती है, जो मीडिया की जो सेक्शन होता है एक, जैसे अगर आप गूगल पर मान लीजिए दिव्या गंडोत्रा सर्च करें, अगर उस न्यूज़ के सेक्शन में अगर मेरी पोस्ट आए, मेरे बारे में आए, तो मुझे अगर 2 से 3 भी आए तब भी मुझे मिल सकता है. ये होता है इनका प्रोसीजर, एटलीस्ट 2 से 3 होनी चाहिए. अब हुआ ये कि जैसे आप दीपिका के बारे में जानते हैं कि उसके 3 दिनों में 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और उसी कल दोपहर के टाइम पे उसको वेरिफिकेशन चेक मार्क भी मिल गया, बट काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल था ये कैसे हुआ. अभी मैं आपको सवाल का जवाब देती हूँ कि कैसे हुआ. ऐसा होता है कि जैसे दस कूव वगैरह और भी कई सारे जो न्यूज़ के जो थे, जिनके पास न्यूज़ का था सर्टिफिकेशन, उन्होंने उसके बारे में पोस्ट किया था कि ये वायरल गर्ल है वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी कुछ पोस्ट किया था. तो उस वजह से उसको चेक मार्क मिल गया, क्योंकि उसका नाम डालते ही दीपिका द RCB गर्ल डाल के सर्च करो तो उसका न्यूज़ सेक्शन में आता था, उसी वजह से उसको मिल गया वेरिफिकेशन चेक मार्क. अभी ये बताती हूँ मैं आपको कैसे, क्यों मिला इसको, इसी को क्यों मिला. और भी काफ़ी सारे लोग वायरल होते हैं, गलती सिर्फ आप ही लोगों की, अगर आप लोग उसके मतलब कि अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो कि क्यों इसी को क्यों मिला, अगर आप उसको गालियाँ देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि इस सब में आप ही की गलती है. जो क्रिएटर्स जो इस टाइम पे यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं, न्यून मैन मान लो और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं जो मतलब कि हार्डवर्क किए जा रहे हैं यूट्यूब पे सक्सेस पाने के लिए, और उनको घंटा कुछ नहीं मिल रहा, उनको मतलब एक चेक मार्क क्या, 50-60 सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेडलिस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट जो हमारे हिमा दास जो गुवाहाटी की हैं, उनको अगर आप उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करोगे उनके 60-60 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं. ये क्या हो रहा है, मतलब आप लोग करना क्या चाहते हो. जो लड़की एक झलक आई उसकी, एक टीवी पे IPL में एक झलक आई, कैमरा मैन ने एक झलक उसकी तरफ किया और वो वायरल हो गए, मेरी पूरी टाइमलाइन उसी के साथ लग गई. 2 दिन पहले तक जब वो वायरल हुई थी तब उसके लिए काफ़ी सारे अच्छे पोस्ट आ रहे थे, काफ़ी कुछ आ रहा था, बट जैसे ही उसको वेरिफिकेशन चेक मार्क मिला, सारों ने अपनी जलसी उखाड़ के वहाँ पर रख दी, ढेर सारी उसके बारे में डाल दिए कि ऐसी है वैसी है, एक ही झलक आई तभी ऐसा हो गया. अब मैं तुम्हें इस सबके अंदर सीक्रेट बताऊँ, मैंने उस लड़की का जो डीगोस करके एक उसका यूज़र नेम है, उसका मैंने चेक किया प्रोफाइल कि ये है कौन एक्चुअली, मतलब क्या काम करती है, क्योंकि उसके पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी थे, ऐसे नॉर्मल बंदे के जो ऐसे पोस्ट होते हैं वैसे नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे उसके सारे पोस्ट एंड सभी मैंने चेक किए नीचे स्क्रॉल डाउन करके, एंड वहाँ पे मुझे देखा कि मैंने ऐश्वर्या है और भी काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स के साथ उसकी पिक है. तो ऐसा कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, मे बी वो इन सबसे लिंक्ड हो जिसकी वजह से कैमरा मैन ने उसकी तरफ कैमरा किया.
मे बी मैं आपको 100% एश्योर नहीं कर सकती थी ऐसा ही होगा, बट हो सकता है. अभी काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ को कि ऐसी है वैसी है, मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वायरल भी तुम ही लोगों ने किया, गालियाँ भी तुम ही लोग दे रहे हो, सब कुछ तुम लोग करो, तो मतलब कि उसका तो इस बीच में रोल है ही नहीं कहीं पे भी. वो जस्ट एक उसकी झलक आई IPL में एंड वो वायरल हो गई. उसने उसके 2,000-3,000 सब्सक्राइबर होंगे जब फॉलोअर्स होंगे, मैं 12 सब्सक्राइबर्स बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, उसके 2,000-3,000 फॉलोअर्स होंगे जब उसके वो झलक आई होगी. उसके बाद उसके 2,50,000 फॉलोअर्स हो गए एंड उस सब में सिर्फ आप ही का है जो आपने उसको फॉलो किया है. मेरे भी कई सारे म्यूचुअल्स उन्होंने फॉलो किया हुआ है. अब बात करते हैं आंटी जी वाले केस पे. मैंने तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा टेक कंटेंट दे दिया हुआ है ऑलरेडी. तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ नहीं किया है इस वीडियो में, फालतू बोल जा रही हूँ. एंड तुमने वो आंटी जी वाला न्यूज़ सुना होगा, उसमें काफ़ी सारे लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, कई लोग अपने तात्पर्य से उसको बोल रहे हैं. तो मैं लक्ष्य चौधरी नामक एक यूट्यूब चैनल ने बताया था, एक बात बोली थी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं या मिड एज में होते हैं, उनकी जो सोच बदलना ना बहुत मुश्किल होता है, उसको इतना आसान नहीं होता. वो उन्होंने बात बिल्कुल सही की, बट किसी लेडी को इस तरह से डिफेंड करना जो दूसरी लेडी के लिए इस तरह से बोल रही है. मैंने खुद काफ़ी अगर मॉल्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पे कुछ कई लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. अगर आप एक 21st century में हैं, अगर आप इस टाइप का सोचेंगे तो कैसे बनेगा ये, मतलब कि इंडिया आगे कैसे ग्रो करेगा. अब बात करते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों मतलब इतने लोग वायरल हो जाते हैं. आप सभी ने काफ़ी सारे ग्रुप्स के बारे में सुना होगा जो मतलब कि मैं नाम नहीं लूँगी, फेसबुक वगैरह पे होते हैं या इंस्टाग्राम पे होते हैं, पेजेस होते हैं बड़े पेजेस, वो लोग इनको वायरल करते हैं. तो मेरा बस ये कहने का यही मकसद है कि अगर आप लोग इन लोगों को वायरल कर रहे हैं, इन पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, इनकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं कि देखो ये कितनी आगे पहुंची, इसका फोटो आई है वगैरह वगैरह, अगर आप इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं तो अगर उसको सक्सेस मिल रही है, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे कि अगर वो लड़की सक्सेसफुल हो रही है तो इसमें भी आप ही का है सारा, मतलब कि आप ही का क्रेडिट जाता है, आप ही लोगों का क्रेडिट जाता है जो मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं, उन्हीं का क्रेडिट जाता है. मैं नहीं बोलूँगी इस वीडियो को शेयर करो, इन लोगों को दिखाओ, बट एटलीस्ट तुम लोग देख लो, तुम लोगों को समझ आ जाए कि कैसे हो रहा है. अब मेरे अभी तक मेरी टाइमलाइन पे इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं कि उसको वेरिफिकेशन चेक मार्क मिल गया. वेरिफिकेशन चेक मार्क क्यों नहीं मिलेगा, अगर उसकी न्यूज़ में मीडिया में हर जगह उसकी न्यूज़ आ रही है, लोग उसको जानने लगे. वेरिफिकेशन चेक मार्क किसको मिलता है, जो मीडिया में आ जाए, जो मीडिया के सामने आए, न्यूज़ में आए, वही उसी को मिलता है. चाहे अगर आपने मान लीजिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, साइंस का प्रोजेक्ट बनाया, उस पर आपकी न्यूज़ में न्यूज़पेपर में आ रहा है आर्टिकल, तब इवन तब भी आपको वेरिफिकेशन चेकमार्क मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको वेरिफिकेशन चेकमार्क मिल चुका है जस्ट बिकॉज न्यूज़पेपर के 3-4 आर्टिकल्स में आ चुके हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. आप लोग इतना डिफेम नहीं कर सकते किसी को, अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप ही की गलती है, क्योंकि आप ही ने उसको ऊपर उठाया था, अब आप उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल चीज़ है. मेरे बस इस वीडियो बनाने का इतना ही तात्पर्य था कि मतलब आप लोग खुद ही किसी को ऊपर उठा रहे हो और खुद ही नीचे ही लेके आ रहे हो. कितने सारे लोग हैं जो मतलब कि इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटर्स हैं, कोई कंटेंट राइटर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, उनको घंटा कुछ मिलता है, उनको मतलब कि फॉलोअर्स के नाम पे, फॉलोअर्स के नाम पे चिंदी मिलती है. 1-2,000 फॉलोअर्स होंगे उनके जो मतलब कि इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इवन सब्सक्राइबर्स भी 50-60,000 होंगे. आप लोग उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो जो कुछ कर रहे हैं सच में. आप लोग मेरे को, मेरे रिलेटेड, मेरे खुद के रिलेटेड 4-5 लोगों ने, एक का तो मैंने खुद कम्युनिटी टैब में डाला था, मुझे उसमें कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं लगा, 3-4 और भी 3-4 लोगों ने मेरे रिलेटेड बनाया था. मैंने उसी टाइम उन पर स्ट्राइक दे दी कि मेरे को डीफेम करके तुम लोगों को क्या मिलेगा, मतलब तुम लोग मुझे नीचे गिराने की कोशिश करो. मान लो अगर हाँ मैं मानती हूँ मेरे बीच में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, हर किसी से होती है, मैं अभी सीख रही हूँ, यूट्यूब पे आके सीख रही हूँ. अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है आप मेरे को कमेंट सेक्शन के आके थ्रू बता दो. काफ़ी लोग मुझे बताते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ. मेरे ऊपर वीडियो बना के आपको क्या 100-200 व्यूज़ मिल जाएंगे, और कुछ नहीं मिलने वाला. मेरी इतनी रीच नहीं है जो आप मेरे पे वीडियो बना रहे हो. हाँ अगर 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए उसके बाद अगर वीडियो बना रहे हो तब भी कुछ समझ जाता है कि हाँ कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है. तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरी लिए वीडियो बना के कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, उल्टा तुम लोगों का मतलब कि टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है जो तुम मेरे लिए बोल रहे हो. मेरे पास कहने का इतना मतलब है कि तुम लोग जो जिन जिन लोगों को डिफेम कर रहे हो वो बंद कर दो, ऊपर चढ़ाना भी बंद करो और नीचे गिराना भी बंद कर दो. बस मेरे कहने का इतना ही था. अगर आप लोगों को ये वीडियो जरूर सी अच्छी लग गई हो या नहीं लगी हो तो इस वीडियो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, तुम्हारी मर्जी है. सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा है पूरी. तो अगर मिलते हैं अगली वीडियो में.